हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पीएच एट पीएच स्केल। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पीएच क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है और उसका डिफिनेशन जानेंगे और पीएच स्केल के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कंसेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, तो आज का हमारा वीडियो का कंटेंट है कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीएच डेफिनेशन एंड देन पी एच स्केल कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये तीन टॉपिक हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी एच क्या होता है, पी एच का डेफिनेशन क्या होता है। सो पी एच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। ये जो पीएच होता है ना, हम कभी भी सॉल्यूशन का मेजर करते हैं, किसी पाउडर का या सॉलिड सब्सटेंस का पीएच हम मेजर नहीं करते हैं। पीएच मेजर करना है तो हमें कभी भी सॉल्यूशन का मेजर करते हैं। ओके, तो एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन का पीएच हम मेजर करते हैं। और उसमें हम क्या मेजर करते हैं कि हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो सॉल्यूशन में, वही पीएच होता है। जो हाइड्रोजन आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन को ही हम पीएच बोलते हैं। ओके, इसको इन्वेंट किया था सोरेन सोरेनसन का नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था 1909 में। उससे वो क्या चेक करते थे, एसिडिटी, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी चेक करने के लिए उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ओके, अब आइए देखते हैं, हम पीएच स्केल के बारे में जानते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 40 तक पीएच स्केल होता है। तो हमारे पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक। ओके, इसमें जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो होता है 7। तो 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, 7 में होता है न्यूट्रल। ओके, और जो हम 7 से नीचे जाएंगे 0 की तरफ, तो जितना हम नीचे जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है और हमारा एसिडिटी बढ़ते जाता है। ओके, मतलब 6 पे कम एसिडिटी रहेगा, 5 पे ज़्यादा एसिडिटी रहेगा, 4 पे उससे ज़्यादा एसिडिटी रहेगा, 3 पे उससे ज़्यादा एसिडिटी रहेगा। अब सबसे ज़्यादा एसिडिटी रहेगा 0 पे। तो जितना भी हम 7 से 0 की तरफ जाते जाएंगे वहाँ उतना हमारे सॉल्यूशन में H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और हमारा एसिडिटी बढ़ते जाएगा। सेम वे अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं 14 की तरफ, तो जितना हम 7 से ऊपर जाएंगे 14 की तरफ उतना हमारा OH आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और हमारा अल्कलिनिटी सॉल्यूशन का अल्कलिनिटी बढ़ते जाएगा। ओके, और 7 होता है वहाँ पर पीएच, जहाँ पर 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिटी होता है ना न्यूट्रल अल्कलिनिटी होता है। यहाँ पे 7 का मतलब होता है कि यहाँ पे H+ आयन्स और OH माइनस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि H+ आयन OH आयन में दोनों मिलकर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और वाटर का पीएच होता है 7। ओके, और हम 7 से अगर ऊपर पीएच हो रहा है उसमें क्या होता है कि हमारा जो OH आयन्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H+ आयन्स। अगर 7 से कम हमारा पीएच है सॉल्यूशन का, तो वो इंडिकेट क्या करता है कि हमारा सॉल्यूशन में OH आयन्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, तो 7 जो हमारा 7 पीएच होता है उस पर क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नील होता है, H+ आयन और OH आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नील होता है या फिर इक्वल होता है। ओके, अगर हमारा 6 का देखें पीएच 6, तो इस पे क्या होता है, 6 पीएच पे क्या होता है कि हमारा जो 7 पे जितना H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन था उससे 10 गुना ज़्यादा 6 पीएच पे रहेगा। सेम 5 पीएच पे क्या रहेगा, 6 पीएच पे जितना हमारा H+ आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन था 6 पे उससे 10 गुना ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा 5 पे रहेगा। देन 5 से 10 टाइम ज़्यादा 4 पे, देन 4 से 10 टाइम ज़्यादा 3 पे, 3 से 10 टाइम ज़्यादा 2 पे, 2 से 10 टाइम ज़्यादा 1 पे, और 1 से 10 टाइम ज़्यादा 0 पे। ऐसा 10 टाइम से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है हर एक स्टेप पे। सेम में अगर से यहाँ पर देखें हम, तो 8 पे क्या होता है, 7 से 10 टाइम ज़्यादा OH आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है 8 पे। 9 पर 8 से ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा 9 पे होता है, 9 से 10 टाइम ज़्यादा 10 पे होता है, और 10 से 10 टाइम ज़्यादा 11 पे। सेम में 14 तक ऐसे ही चले जाता है। उसके तो यहाँ पे क्या होता है, OH आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इधर 7 के ऊपर, और ये 7 के नीचे जो होता है हमारा H+ आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ओके, तो ये रहा
पीएच स्केल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो हमारा सी वाटर होता है उसका पीएच 6 होता है, लेमन जूस का 2 होता है, एसिडिक होता है, देन हमारा HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच 0 होता है, इनका हाईएस्ट एसिडिटी होता है। देन हमारा अमोनिया सॉल्यूशन होता है उसका पीएच होता है 11। देन लिक्विड रेड जो क्लीनर होता है उसका पीएच होता है 14, हाईएस्ट पीएच होता है। ओके, तो 7 से ज़्यादा हमारा पीएच हुआ तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन होते जाता है उतना ज़्यादा, और 7 से कम पीएच रहता है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होते जाता है। ओके, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।